खा रहा है? चुपा चुप्स। चुपा चुप्स खा रहा है। शाम के 4:15 हो रहे हैं। मैंने फैन बंद करवा रखा है, मुझे ठंड लग रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? होप करते हो आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, थोड़ी मतलब अच्छी तो वैसे तो सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं है क्योंकि रोजे सारे रख रही हूँ और घर का आपको पता है शिफ्टिंग भी था, तो आज मेरे को बहुत ज़्यादा तबीयत डाउन सी लग रही है। और मैं उठ रही हूँ ना तो एकदम से सिर में चक्कर भी आ रहे हैं। बस अभी मैंने जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने एक सिपारा कंप्लीट करा अपना और फिर मैं लेट गई। मैंने कहा अब अफ्तियारी का टाइम भी हो जाएगा। कल मैं कोर्ट भी गई थी लेकिन कोर्ट का ब्लॉग नहीं बना पाई थी कल का, तो फिर डुगू कह रहा कि मम्मी आज ब्लॉग बना लो, तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग शुरू कर देती हूँ। रख दे थप्पड़ खाएगा। अब तो ये मेरा है। आई नो, चालो मैं आराम है। अब कल से थोड़ा सा बोल रही है, रूही ऐसी होगी छोरी, बिल्कुल बेचारी उदास थी कल से, थोड़ा सा आस थोड़ा सा ही हुई आस। उसने कितना ही काम करा है घर में, बर्तन धोए 3-4 बार तो इसने। और मार्केट से शॉपिंग करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने घर। क्या क्या कह रहे हो चीची आप? मैं दिमाग में आया कि मैं चीज ले लूं। चीज? हाँ। अभी डुगू के साथ आ जाओ फिर चीज ले लियो। पूरा कपड़ा मत दिखाइयो, इधर देखो। आई नो की तबीयत बहुत खराब रहती है, नजर लग गई अब तुझे रील बना के। देखो बाहर का मौसम, हल्के हल्के ओले पड़ रहे हैं और अभी मेरी बैलकनी की सेटिंग जो है वो रहती है। मैं थक चुकी हूँ काम कर करके। मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? होप करते हो अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और शाम के बज चुके हैं 5:15 और मेरा ब्लॉग भी यहाँ से शुरू हो रहा है। इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू रखूँगी। टुकू नमाज़ पढ़ रहा है और बारिश हो रही है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। और अभी तो मन लगा नहीं है यहाँ पे, धीरे धीरे ही मन लगेगा, और एकदम से तो मन नहीं लगता है। और बाकी तबीयत थोड़ी सी डाउन ही है मेरी, आपको पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा आपने, मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी डाउन ही हो रही है। दवाई भी मैं नहीं ले सकती क्योंकि रोज़ा रहता है। अभी आइनू की तबीयत भी डाउन हो रही है, बच्चों का भी। अरे मौसम भी चेंज हो रहा है, कभी गर्मी से होता है, आज देखो इतनी तेज़ बारिश आ गई है, मुंह पे भी बौछार पड़ रही है। अभी थोड़ी देर पहले धूप पड़ रही थी। तैयारी बना के आ चुके हैं, बस 10 मिनट रहते हैं। और मम्मा भी कपड़ों की, इतने सारे कपड़ों की तय बना रही है। मम्मा ने इतने सारे कपड़ों के बना भी दिए। डैडी को यहाँ पे कौन लाया भाई? कौन लाया? आप लाए थे? अच्छा, अब भी टैडी से खेलते हो? मैं तो छोटे बच्चों के मारे रख रखा है ये। वैसे क्या है था सोफे कवर, बार बार वो कर देते हो, मम्मा को ठीक करने पड़ते हैं, है ना? आज ना मेरा मन था कि मैं ना पार्टीशन करके और ऐसे मैंने पिन लगा लिया, हमेशा एक ही स्टाइल रहता है, तो मुझको ये पिन और एक इधर भी लगा ली, अच्छी लग रही थी तो मैंने सोचा कि लगा लेती हूँ। कभी कभी कुछ चेंज तो होना ही चाहिए, लाइफ अपनी है, कैसे भी जियो, बस अल्लाह पाक सबको खुश रखे। बाकी कब समय निकल जाता है ना पता ही नहीं चलता। अभी मैं सोच रही हूँ चाय पीने के बाद फिर थोड़ा मार्केट होके आते हैं, कुछ ना कुछ मार्केट का भी काम लगा ही रहता है। और एक मेरा फ़ोटो है वो आइनू को टांगना था वॉल पे, तो मम्मा बोली कि मम्मा कील नहीं है, तो मैंने कहा चलो एक छोटी सी चीज़ के लिए भी कभी कभी जाना पड़ जाता है। जब हम शिफ्टिंग करते हैं ना तब तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कल मैं पाइप लेके आई थी, एक वॉश बेसिन का, उसका पाइप न्यू ही था लेकिन टूट गया, फिर वो लेके आया। मैंने सोचा कि एक दो कीले ले आऊँगी वॉल के लिए, शिंजे वगैरह लगाने के लिए, और एक दो सामान और भी ले आऊँगी मार्केट में। क्या कह रहे हो? हाँ यहाँ लगा दो चार्जिंग पे। कप और ये है मेरी सूट का दुपट्टा, पीच और पर्पल, जो कि मुझे बहुत पसंद है। बहुत देर से मैंने ओढ़ा भी नहीं क्योंकि बड़ा ज़्यादा है ये, तो इसलिए फिर मैंने अब ओढ़ा था, मतलब इफ्तार के टाइम भी ओढ़ लिया था क्योंकि दुपट्टा उतार के जल्दी जल्दी किचन में काम भी करना होता है। और फिर मैं उस टाइम पे स्टॉल भी ओढ़ लेती हूँ, पूरे सर को कवर कर लेती हूँ। बाकी ये कलर मेरा फेवरेट है और
लाइट रेड कलर तो गर्मियों में अच्छे ही लगते हैं काफ़ी। इस पर मैंने लेस भी लगवाई हुई है। आपको बेटा गर्मी चाहिए कुछ? देख लो आपको जो अच्छा लगे वो ले लेना। ये डिटैचेबल है, आप हटा भी सकते हो। और यहाँ पे हम आ गए मार्केट में, आइनू को ड्रेस दिलवानी है। मैंने फिर आइनू ने मेरी भी पसंद कर ली थी तो मैं भी अपनी देखने लग गई थी। आइनू से पहले फाइनल करवाया फिर घर आई। थक गई हूँ, मैंने सोचा पहले मैं डिनर कर लेती हूँ फिर उसके बाद कुछ और काम करूँगी। तो आज मैंने बैंगलोर की सब्जी बनाई है और रोटी बना के लाई हूँ अपने लिए, फिर बच्चों को उसके बाद दूँगी। बच्चे कह रहे मम्मा हम थोड़ी देर बाद खाएंगे, तो मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी है। और गाइस यहाँ पे हम दोनों कर रहे हैं अल्लाह की इबादत और मैं कुरान पाक पढ़ रही हूँ। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए।